गुड मॉर्निंग चेतस। चेतू, ओए चेतू, थोड़ा ऊपर कर दी, कैसे पैर देखे पूरा नीचे करके। ओ हो हो, मज्जा है, मज्जा मज्जा है इसका, मज्जा। इसको इधर रखा था मेशिया, स्लिप होके आ जाता है। इसमें नहा भी लो और इसमें आराम से बैठ करके देख भी लो, सन बाथ भी ले लो, मल्टीपर्पज यूज हो जाता है इसका, है ना मोमेन। गुड मॉर्निंग मोमेन। गुड मॉर्निंग। आज एकदम बिजी है, सुबह सुबह से देख रहे हैं, टेंशन में भी आज, इसीलिए आर्टिफिशियल स्माइल दे रहा हूँ। और इसको तो मजे आए, आए? इधर से बैठ गया है और इधर का नजारा आराम से ले रहा है पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 2 मार्च और आज का दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, सब्जी वब्जी सब काट दी हूँ और उसके बाद बाबू को फीडिंग कराने गई हूँ और उसके साथ ही सो गई हूँ मैं भी, तो फाइनली सब्जी भी नहीं बना पाई। तो आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है बाहर से ही, इडली डोसा, यही हुआ है ब्रेकफास्ट, तो अभी लंच में बनाएंगे। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीच बीच में आप बाबू का आवाज सुन सकते हैं। अभी वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मेन मिडल में बात करेंगे तो डांटेगी 100%। उनका बात समझ में आता है ना, मतलब उनका बात से, हाँ देख कितना जोर जोर से चिल्ला के खेल रहा है, इसको मजा आ रहा है कुर्सी पे। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और मेरे ब्लॉग को भी देखते रहिए। अब आपको हमारे ब्लॉग में हमेशा 2 लोग नहीं 3 लोग दिखा करेंगे। और बीच बीच में बेटू आप लोग को अपना म्यूजिक देता रहेगा। हाँ देखिए दे रहा है। हाँ हाँ देखती हूँ आज मैं ये वाला जो कल बनाई थी ना, ये वाला, इसको पेंट कर पाती हूँ तो करूंगी, अदरवाइज कुछ काम भी है तो वो करूंगी पहले, उसके बाद इसको पेंट करने का सोचूंगी। अब ये रो नहीं रहा है, ये खेल रहा है ऐसे। देखो क्या है, ये देखो क्या है, आज आज बेटू आज 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 देखो क्या है, क्या है, क्या है वो, क्या बेटा वो क्या है, थोड़ा देर खेल लिया अच्छे से, तो अब कितना देर खेले, इसको हिक्कप भी आने लगा है, हिक्कप आ रहा है तो क्या करे बेटा मेरा, हाँ मेरा बेटू क्या करे हिक्कप आ रहा है तो। बट मस्ती सुझा हुआ है अच्छे से, फेस देखिए पूरा मस्ती वाला बना हुआ है, किधर भी देखना है, किधर भी देखना है, इधर उधर 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 उधर, एक जगह नहीं बैठ सकते है मेरा चिन्नू। तो चलिए फिर देखते हैं आज क्या करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन जाती हूँ, थोड़ा सा दूध पीती हूँ और थोड़ा सा एडिट करती हूँ वीडियो, और जो थोड़ा सा काम है वो करती हूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इसको भी मसाज कर देती हूँ, इसको नहला, आज नहीं नहलाऊँगी, आज इसको स्पंज बाथ ही दूँगी, बिकॉज थोड़ा इसको ना खांसी आ रहा है इस वजह से, है ना बेटू? हाँ मेरा बेटू, मेरा बेटू।
नहा के मसाज वसाज करवा के एक नींद ले करके मेरा बेटू अब खेल रहा है और अब रोने भी वाला है। तो मैं यहीं पे सोफा पे ही सुला दी थी और यहाँ पे बैठ करके मैं एडिटिंग कर रही थी। तो अब एडिटिंग आप पे ही रखती हूँ और जाती हूँ फिर। उधर कहाँ है पता नहीं चल रहा है इसको, पता नहीं। पूरा 90 डिग्री पे सिर घुमा के रखा है, देखो ना। 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा बट एकदम पूरा 90 डिग्री पे भगवान सिर्फ ऊपर ही देख रहा है इसको। चेतस चेतस उधर देखो, नहीं देखेगा। आप उसको नीचे क्यों कर दिए? He want to see above। हाँ देखो कितना खुश है ऊपर देख करके। हाय। नहीं मैं सोच रहा था ये इसका हाँक उधर इधर चले जाते, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। एक ही देखो, एक ही तरफ हो रहा है। गया अभी तो किया। कैसे एकदम मजे में देखो। पैर भी वैसे देखो, पैर भी एकदम। उसको भी मजा आता है ऐसे खेलने में। है ना बेटू, मजा आता है। अभी सिर्फ ऊपर देखना है, पेट भर गया है, मसाज वसाज हो गया है तो अब मजा है। मोमेंट दोनों कोई कितना गौर से बेटू देख रहा है क्रिकेट। देखिए तो कौन सा पोजीशन में बैठ के देख रहा है क्रिकेट। हाय राम, आईज भी इधर से उधर नहीं हो रहा है। चेतस ओए चेतस, अरे बाप रे, दोनों बैठ के देखो क्रिकेट। अभी से उसका हैबिट लगा है। अरे बाप रे, देखो उसको कॉन्सेंट्रेट में देख रहा था, अब आके डिस्टर्ब कर दी। सॉरी सॉरी बट ये मोमेंट मुझे कैप्चर करना ही था, इतना मस्त वाला मोमेंट था। मोमेंट कैसे कैप्चर नहीं करती। है ना। वो के चिन्नो मम्मी ऐसा ऐसा कर देती है, हम दोनों कितना अच्छे से रहता है तभी करती है। वो शियो क्या बना रही है? पता नहीं, अभी तो ये रोटी बनाई हूँ और दूध गर्म हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ना ये अनियन और गार्लिक का जो बनाते हैं ना वो वाला बना दूँ, जल्दी बन जाएगा। अभी बेटो कैसा बैठा है? छोटू गणपति जी बना है। हाँ ये गणपति जैसा ही बैठा है। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही, मतलब जैसा एक होता है ना गणपति जी का एकदम बिंदास होकर के मस्त एकदम बैठते हैं, वैसे कोई डर नहीं एकदम बैठा है। ऐसा ही होगा है ना। हाँ। पापा के गोद में ऐसे मैं बैठा दूँ तो बैठेगा नहीं, बिकॉज पापा को ही चाहिए वैसे। पापा करेक्ट, हम ही चाहिए इसको ऐसा अच्छा है करने के लिए। कोई चीज में आपके साथ ही रहना ना। देखो अभी अभी डांस देखो, अभी देखो डांस देखो कैसे कर रहा है। अभी डांस जबर जबर। मम्मी का सब्सक्राइबर को बोलो हाय। शो ये पैर से हाय बोल रहा है। हैंड्स करा हाय। देखे ना ये पैर से कर रहा है शो। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, भगवान जी के रूप होते सब। हाय का बॉटल क्लीन कर रही हूँ, मतलब दोनों बॉटल क्लीन करके रख देते हैं तो सडन में कभी देना होता है ना फॉर्मूला मिल्क तो क्लीन रहता है तो अच्छा रहता है। तो मैं ना इसको इसमें डिश वॉशर डाल दी हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ ऐसे, फिर पानी से क्लीन कर दूंगी और उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। इसमें नीचे ना पानी डालते हैं तो इसमें स्टीम आता है तो इसमें डाल करके थोड़ा देर छोड़ देते हैं। इस वजह से ही मैं एक्चुअली ये ली हूँ, नहीं तो मुझे गैस ऑन करना पड़ता था फिर उसमें उसका बॉटल को बॉईल करो तो बहुत टाइम लगता था। इसमें करके छोड़ देती हूँ तो इसमें ही रह जाता है, जब चाहिए तो निकाल के ले जा। अच्छा है ये वाला। नीचे में पानी डाल दी हूँ और ये पानी जो है ना वो पीने वाला जो पानी होता है ना वो डाली हूँ, क्योंकि टैप वाटर ना हार्ड वाटर हो जाता है तो उसमें ना वो थोड़ा थोड़ा लग जाता है अगर गर्म करेंगे तो, वाइट वाइट ना ऐसा। तो ये इस टाइप से मैं
वॉश कर देती हूँ इसको। इसका भी बहुत तामझाम है ना। किस प्रश्न? चिंटू का भी। क्यों? देखो ना, बॉटल क्लीन करना, इसको मसाज करना। देखो अभी कुछ भी नहीं रो रहा है शियो। हाँ? क्यों रो रहा? अभी मजा है आपके साथ। उस समय रोने के लिए स्टार्ट कर रहा था। आप झूला में छोड़ दिए थे उसको और आप पूछ भी नहीं रहे थे, फोन पे बिजी थे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा वो रो रहा था। इसको ऐसा बिठा के कर रहा तो मैं काम कैसे करूँ? अब आप सोचो वैसे ही कैसे काम करना है, जैसे मैं उसको लेके कैसे काम करना है वैसे ही आप भी सोचना, उसके साथ कैसे काम करना आप। अच्छा अभी ऐसा इसको ये ऐसा ऐसा डाल के बैग में बैठा देता हूँ। बैठा दो। उसमें भी नहीं रहता है पता है, बैग में एक दिन रहा है बैग में, उसके बाद ना वो क्या बोलते है? उसके बाद ना उसको घर में एक ही चीज दिखता है ना, तो थोड़ा देर में ही रोने लगता है। फिर वो बॉटल में ऐसा करना नहीं था। क्या बॉटल ऐसा करना गलत है मेरे हिसाब से? क्यों सिलिकॉन कर रहा हूँ मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ पता है? क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल में भी ना जो नर्सेस थी ना, जो जब इसको NICU में रखा था उस टाइम में, वो हम लोग को बोलते थे वॉश कर दीजिए बॉटल, और वॉश करने के बाद वो स्टीमर या जस्ट वो करने का होता ना, पानी गर्म करके रखी हुई थी, वो हमेशा गर्म ही होता रहता है, उसमें पानी उसमें डाल देती थी इस वजह से, और थोड़ा जो बैक्टीरिया होता ना वो मर जाता है गर्म चीज से, इसीलिए बुलबुल निकाल देता मुंह से भी ना, पूरा वो ऐसा बुलबुल्ला निकालता है। कहाँ निकाल रहे हैं? देखिए निकाला हुआ है, और अच्छे से दिखाओ, ऊपर देखो देखो निकाला है ना इधर। ओलन ठीक है, नहीं बताएंगे, सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी, अब भी से पता चल रहा है बदमाश को। इतना अच्छे से बैठा था आपको डिस्टर्ब कर दिए तो उसको। तो अभी ना बहुत जल्दी जल्दी बनने वाला चीज बनाऊंगी, रोटी बना ली हूँ, और ये अनियन है इसको कट करूंगी, गार्लिक को कट करूंगी, और एक चिली डालूंगी ग्रीन चिली, और तवा पे ही मैं बना लेती हूँ। तवा पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये सभी चीज़ डाल देते हैं, उसको थोड़ा फ्राई करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में, और स्पेशली जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है ना वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। तो मम्मी भी ना ठंड में बनाती थी घर पे। विजिट करके आ रहा हूँ। इसको मैं उधर बैठने के लिए स्टार्ट कर रहा तब रोने के लिए स्टार्ट कर रहा। हाँ वो बैठेगा नहीं, वो शाम में तो चाहिए उसको घूमने के लिए, और सुबह आप उस समय भी नहीं घुमाएंगे तो कैसे होता है बेचारा, बोलेगा उफ हम टायर्ड हो गए सोते सोते। और इसको होने देंगे ना जब तक पूरा अच्छे से स्टीम नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं होने दूंगी और फिर बंद कर दूंगी उसको। बॉटल इसको क्या करो शिया? किसको उसको सुला दीजिए? बस इसको करके आती हूँ, और मैं खा करके उसका सभी चीज हो गया है मोमेंट ऑलरेडी, मसाज वगैरह सब हो गया है, तो उसे सुलाना ही है। बिकॉज़ मेरा काम अभी रात 1 o'clock तक है। ठीक है करो आप काम, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सुला सकते हैं उसको, पेट पे रख के आप सुलाते हैं ना वैसे, सुला दीजिए पेट पे रख के ना, ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहते ना तो सो जाता है। अनियन भी ना बीच बीच में सरा, ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है और अंदर में ना थोड़ा थोड़ा सरा ही रहता है। नजदीक से दिखाती हूँ आप लोग को ऐसे, जनरली अभी तो मैं ऐसे ऊपर ही रखती हूँ, अदरवाइज ना थोड़ा सा ना ये नीचे वाले में बॉटल को पानी में ये कर देते हैं, थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं और उसके बाद फिर इसमें रख देते हैं। तो देखिए स्टीम अच्छे से हो गया है, अब मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे ही रखी हूँ इसको, एग वाला भी यहीं पे रखी हूँ और ये पानी पीने वाला भी यहीं पे रखी हूँ, तो सब एक साथ एक लाइन में हो गया है। और मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे अटकाने के लिए रखी हूँ इसका वायर, नहीं तो सब इधर उधर होता रहता है।
नीचे से ऐसे हिलते 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 सो जाता है। इसको लगता है बाहर गाड़ी भी चल रहा है जैसे। उसका सोला नहीं एक टास्क है। हाँ अच्छा। और इसको सोला नहीं का चक्कर में हमको ही नींद आ जाता है। ये तो होता है मैं क्या करना। और कितने अच्छे से सो गया है। चलिए डिनर बन गया मोमेंट देती हूँ है ना। चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। डिनर करने के बाद बाबू को ऐसे सुला देती हूँ क्योंकि सो गया है। उसका सारा काम हो गया है तो अब जगने का कोई मतलब नहीं है तो उसको सुला देंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। टिल देन बाय, गुड नाइट। मम्मी को नींद आने लगा। बाय बाय बोल दीजिए मम्मी। बाय। और बाबू तो सोते सोते ही बाय बोलेगा। बाय।